सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, पर ऐसी कटहल की सब्जी आपने कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि इसमें मैंने छोटे छोटे ऐसे ट्विस्ट किए हैं जिससे कि आपके कटहल का सब्जी का स्वाद बहुत ही अलग लगेगा, यूनिक लगेगा, और इसका स्वाद आपको इतना अच्छा लगेगा कि इसे एक बार अगर आप खा लेंगी तो चिकन और मटन सारा खाना भूल जाएंगी, इतना टेस्टी है ये। तो क्यों ना इस बार होली में आप इसे ही बनाएं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसकी रेसिपी भी आप नोट कर लीजिएगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी, मैं हूँ नीलम। तो आज तो ये सब्जी का स्वाद इतना अच्छा है कि अगर ये इस बार होली में आप बनाएंगे तो आपकी होली बनेगी बहुत ही स्पेशल, क्योंकि सभी भर भर के आपकी तारीफ करेंगे और उंगलियां चाट चाट के खाएंगे इस सब्जी को, इतना टेस्टी है ये। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। छोटी सी घंटी है जो उसको हिट कर लीजिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो के अंत में अपना फीडबैक यानी कि कॉमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, ये सब्जी कैसा लगा। तो इसी तरह आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि छोटे छोटे इसमें ट्विस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपके सब्जियों में नई जान डाल देती है यानी कि नया स्वाद बनाता है इसे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देख लेते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कटहल से। हाँ देखिए, कटहल मैंने ले लिया है, कटहल को मैंने इस तरह कट करवा लिया था सब्जी वाले से ही, क्योंकि मुझे कटहल कट करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है मुझे कटहल कट करना, लेकिन इस तरह के कटहल इस पीसेज में मैंने कट कर लिए हैं ये देखिए। और इसको मैंने पानी में डाला है, अगर आप कटहल कट कर रही हैं, आप चाहती हैं कि इसका रंग काला ना पड़े, तो कटहल काटने के बाद आप पानी में इस तरह डाल देंगी तो ये जो आपका कटहल है तो इस तरह ही रहेगा, बिल्कुल हरा हरा और खिला खिला। अब हमें क्या करना है कि इसको हमें 2 से 3 सीटी लगा के और पहले इसको अच्छी तरह बॉयल कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कुकर में शिफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, क्योंकि टर्मरिक पाउडर मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि इसका कलर जो है वो अच्छा आता है। और उसके बाद डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि इससे हमारा जो बॉयल करते वक्त हमारा नमक है यानी सॉल्ट है वो कटहल के अंदर अच्छी तरह चला जाएगा, जिससे कि बॉयल बॉयल नहीं लगेगा। अब इसे 2 से 3 सीटी लगा के अच्छी तरह बॉयल कर लेंगे। जब तक हमारा जो तो यहाँ देखिए जब तक हमारा कटहल होता है तब तक हम इसके मसाले तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ लेंगे हम कुछ लहसुन, इस तरह मैंने लहसुन 10 से 12 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 इंच अदरक के टुकड़े और 1 हरी मिर्च, और इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना है हमें और पानी तो बिल्कुल ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें कर लेना है अदरक और लहसुन और जो हमारा हरी मिर्च है उसको। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब सेम इसी बोल में हम क्या करेंगे कि ये जो अनियन है यानी कि प्याज, इसके भी पेस्ट को, इसका पेस्ट जो है थोड़ा सा बारीक बनाएंगे। ये देखिए मैं इसको इसलिए पेस्ट इन सबका बना रही हूँ क्योंकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा थिक बनती है, टेस्टी बनती है, और ये बनाने से और अलग लुक आता है, एक स्वाद इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का भी बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार हो गया है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के बिल्कुल लाल टमाटर, बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ, और इसका भी हम प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए इसका भी प्यूरी बना लिया है मैंने। तो चलिए अब गैस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है और इस सब्जी को मैं बनाऊंगी बिल्कुल सरसों के तेल में। वैसे भी मैं खाने में सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ क्योंकि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बना रहे हैं तो सरसों का तेल हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए यहाँ पर हम सरसों का तेल डाल लेंगे, 4 स्पून के लगभग डाल देंगे यहाँ पर सरसों का तेल। अगर आप तेल कम खाना पसंद करती हैं तो थोड़ा कम भी कर सकती हैं, या आप ज़्यादा खाना पसंद करती हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, बट यहाँ पे मैंने परफेक्ट ऑयल डाला है। वो ये इतना तेल होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे कि हमारे मसाले जो हैं बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो सके, क्योंकि जहाँ स्वाद आती है सब्जियों में तो वहाँ मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी है। मसाले अगर आपके अच्छे भुनेंगे तो सब्जियों का जो टेस्ट है स्वाद है बहुत अच्छा आएगा।
तो यहाँ पे देखिए मैंने तड़के के लिए यानी कि फोरन देने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है इलायची, हरी इलायची 4 मैंने लिया है। यहाँ पे मैंने एक लाल मिर्च लिया है और मैंने 8 लिए हैं, यहाँ पे 8 से 10 लिए हैं काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मैंने लिए है जीरा। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे आपका जो तेजपत्ता है वो भी यानी कि बेलिप वो भी ले सकती हैं। तो इसको इसमें हम डाल लेंगे और उसके बाद इसमें हमें तुरंत जो चीज़ डालना है वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम डाल लेंगे तुरंत। गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे क्योंकि सारे मसालों को हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही भूनना है और इसको हम 30 सेकेंड के लिए थोड़ा सा हम इसे फ्राई कर लेंगे इस तरह। ये जो है पहले डालने से आपने सोचा कि मैंने पहले प्याज नहीं डाला, पहले इसे क्यों डाला, क्योंकि ये जो प्रोसेस है आपकी सब्जी बनाने की, ये छोटे छोटे सीक्रेट हैं जो आपके सब्जी के स्वाद को और भी ज़्यादा बनाते हैं और भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे बस हमें 30 सेकेंड तक ही इसे भूनना है। अब इसमें जो चीज़ मैं डालूँगी वो है ये जो हमारा प्याज का पेस्ट है वो, और प्याज का पेस्ट डालने के बाद हमें क्या करना है कि प्याज को करना है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन यानी कि बहुत ही अच्छी तरह भून लेना है इसे, क्योंकि जब तक प्याज आप बिल्कुल अच्छी तरह आपका नहीं पकेगा तो जो आपके सब्जी का टेस्ट है वो उतना खुलकर या उतना टेस्टी नहीं लगेगा जो आप बनाना चाहती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके सब्जी में एक नया फ्लेवर आए, टेस्ट आए और लगे कि नहीं सब्जी में कुछ बात है, तो सबसे पहले आपको प्याज जो आपका है उसको आपको बिल्कुल ब्राउन कर लेना है यानी कि डीप फ्राई कर लेना है, इसे बहुत देर तक भूनना है जिसे इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए धीरे धीरे करके आपके प्याज का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, लेकिन इसे अभी हम थोड़ा देर और भूनेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह भून गया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और आप देख सकती हैं तेल भी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो अब इसमें हमें क्या डालना है, अब इसमें हम डालेंगे ये जो हमारा टमाटर है वो, टमाटर मैंने इसमें डाल दिया है। और अब लूँगी यहाँ पे मैं कुछ मसाले, तो यहाँ पे सबसे पहले एक बोल लेंगे और इसमें मैं डालूँगी धनिया पाउडर, तो यहाँ पे 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, और ये मैं ले रही हूँ जीरा और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का पाउडर 1 टीस्पून, 1 स्पून इसमें मैं डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकती हैं, और 1 टीस्पून लेंगे यहाँ पे हम टर्मरिक पाउडर। बस अब इस मसाले को क्या करना है कि हमें मसालों में मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है हमारे, टमाटर भी थोड़ा सा भुन गया है, अब इसमें ये मसाले जो हमारे हैं उसको हम ऐड कर देंगे। और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है हमें। अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकती हैं, यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून डालूंगी सॉल्ट और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है कि अब हम मसालों को कम से कम 5 मिनट यहाँ पे अभी मैं मसालों को और भूनूंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं भूनूंगी क्योंकि आपको पता हो जहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो देखते होंगे, क्योंकि मैं सब्जियाँ डालने के बाद मसालों को कम से कम 10 मिनट तक भूनती हूँ, तो लेकिन इसे अभी 5 मिनट हम भूनेंगे, उसके बाद सब्जी जो है इसमें हमारा कटहल उसको ऐड करेंगे। देखिए मसाले जो हमारे हैं वो भून गए हैं, अब इसमें हमें क्या करना है कि अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने बॉयल किया है कटहल, ये मैं इसे डाल दूंगी इस तरह, और इनको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अब क्या करना है कि अब इसे इसमें मिक्स करके अब इसमें हमें मसालों में कटहल को कम से कम कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने देना है। ये देखिए
ताकि जो मसाले हैं वो कटहल में अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए, जिससे कि हमारे कटहल की सब्जी जो है उसका स्वाद 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम ढक देंगे। अब इसको कवर करके ढकने से पहले इसमें मैं एक मसाले ऐड करूँगी। ये देखिए, ये है चिकन मसाला। इसमें अच्छा स्वाद लाने के लिए मैं चिकन मसाला डाल रही हूँ। इसके जगह पे आप गरम मसाला ऐड कर सकती हैं। और इसमें मैं डालूँगी बिल्कुल 2 चम्मच पानी, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और इसको हम मिक्स कर देंगे। अब देखिए, इन्हें हम कवर कर देंगे और कवर करके इसे हम 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम कर लेना है आपको। एक बार हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। वाह, सब्जी का कितना अच्छा कलर आया है। एक्चुअली इसमें मैंने थोड़ा सा आधा कप के लगभग पानी डाल दिया था। तो ये देखिए, मुझे बिल्कुल ग्रेवी जैसा नहीं बनाना है, मुझे थोड़ा सा इसको थिक ही बनाना है। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा ये लग रहा है देखने में। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा सा ग्रेवी और चाहिए, तो आप इसमें थोड़ा सा ग्रेवी और डाल सकते हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल यही परफेक्ट सा जो इसका ये ग्रेवी है वो है, इसी तरह थिकनेस चाहिए मुझे। तो अब इसको गैस का फ्लेम करेंगे ऑफ। और गैस का फ्लेम ऑफ करने से पहले इसमें डालेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट जो आपके स्वाद को, यानी कि सब्जी के स्वाद को बनाएगा और भी ज़्यादा अच्छा, जो कि मेरे हर सब्जी या हर खाने के डिशेज में लास्ट में जरूर जाता है, क्योंकि उससे मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब वो क्या है? तो वो चीज़ है ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी यहाँ पे 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। और इसको इसमें अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, लग रहा है ना, इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर, आपकी सब्जी बहुत अच्छी बनी। आप देख सकती हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए, अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब सब्जी के क्या कहने, कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका, कितना अच्छा देखने में लग रहा है ये। वाह, बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी। और इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। और सबसे मेन इसमें जो थिकनेस है, यानी कि ज़्यादा ग्रेवी नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इसे जो भी आपको अच्छा लगे, चावल, पराठे, पूड़ी, नान, जिसके साथ आप खाना चाहें आप इसे खा सकती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये देखिए, लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आपकी कटहल की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। और ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी, एक अलग फ्लेवर है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए, किसी नए रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।